हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इलेक्ट्रिकल चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था टाइमर्स के बारे में, लाइक टाइमर क्या है एंड ऑन डिले एंड ऑफ डिले, दैट इज टाइप्स ऑफ टाइमर्स। और ऑन डिले टाइमर का पर्टिकुलर एक एग्जांपल के साथ हमने चेक किया था उसका ऑपरेशन कैसा होता है। तो उसी सीक्वेंस में ये दूसरा पार्ट है जो कि साइक्लिक टाइमर के ऊपर बेस्ड है। तो ये रहा हमारे पास एक एग्जाम्पल के लिए, एक मॉडल है साइक्लिक टाइमर का और उसका कनेक्शन एक है, इसका ऑपरेशन कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ अ मल्टीमीटर, लाइक NONC कॉन्टैक्ट कैसे चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टाइम। तो ये साइक्लिक टाइमर है, उसका फिर नेम प्लेस ये सॉरी स्पेसिफिकेशन डेटा सीट है हमारे पास। सो डेटा सीट पे देखते हैं, तो ये EAPL मेक का है टाइमर है। देन उसका मॉडल नंबर B1DCX AX एंड टर्मिनल्स डिटेल देखेंगे। A1 A2 इज पावर सप्लाई। सो ये रहा A1 एंड A2, ये इस केबल के थ्रू कनेक्टेड है, वायर के थ्रू। ओके, देन NC कॉन्टैक्ट्स के लिए कौन कौन सा टर्मिनल्स है, 15, 16 एंड 25, 26 एंड NO के लिए 15, 18, 25, 28। तो ये भी यहाँ पे 15, 16 एंड 18, 25, 26 एंड 18। ओके, उसके बाद यहाँ पे टाइम रेंज दिया हुआ है जो इस पर्टिकुलर टाइमर में प्रोवाइड होता है, लाइक फ्रॉम 6 सेकेंड्स टू 60 मिनट्स। ओके, तो ये चीज़ देख लेते हैं, क्योंकि ये साइक्लिक टाइमर है तो साइक्लिक टाइमर में ऑन एंड ऑफ दोनों का ऑप्शन रहेगा। एक पर्टिकुलर टाइम तक ये ऑन रहेगा, लाइक इसके कॉन्टैक्ट्स जो चेंज होते हैं ऑन ऑफ होने पे कॉन्टैक्ट चेंज होंगे, वो प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू पता चल जाएगा। पहले बेसिक देख लेते हैं। तो इसमें जो टाइम का ऑप्शन है ये देख लेते हैं कहाँ से। सो ये स्टार्टिंग रेंज है, इसके लिए एक सिंबल है, यहाँ से स्टार्ट होना है, इस डायरेक्शन में रोटेट करना है, लेफ्ट साइड घुमाना है नॉब को। तो पहले 6 सेकेंड आएगा, देन करस्पॉन्डिंगली घुमाते घुमाते 60 सेकेंड, और आगे 6 मिनट्स, देन 30 मिनट्स एंड देन फाइनली 60 मिनट्स। सिमिलरली फॉर ऑफ के लिए वैसा ही है, तो हम लोग छोटे टाइम के लिए सेट करेंगे सो दैट हम लोग एक ट्रायल रन ले रहे हैं। और ये जो नॉब है लाइक 0 to 1 जो स्केलिंग है, फॉर एग्जाम्पल अगर 8 सेकेंड रखते हैं तो 0 का यहाँ पे 0 सेकेंड्स होगा, और 1 के लिए अगर ये फुल स्केल आएगा तो 18 सेकेंड। सिंस मिडिल में दोनों रखा है तो ये 99 सेकेंड पे ऑपरेट होगा। ओके फाइन, अभी जैसा कि दिख रहा है हमने यहाँ पे 25 25 पे कनेक्ट किया है, 25 एंड दिस इज 26। 25 एंड 26 अगर नेम प्लेट पे चेक करेंगे, ये सॉरी इस पे डेटा सेट पे चेक करेंगे तो 25 एंड 26 इज NC, जबकि सप्लाई नहीं है। तो सप्लाई नहीं रहने पे यहाँ पे दिखा रहा है इट्स लाइक NC कॉन्टैक्ट शॉर्ट सर्किटेड, लाइक शॉर्टेड। ठीक है, तो ऑन करने के साथ ही जो ये NC है वो चेंज होगा टू टाइम, सिंस यहाँ पे 18 सेकेंड से टिल 9 सेकेंड्स ये NO होगा, एंड आफ्टर 9 सेकेंड जब ये ऑफ होगा, जब ये वाला ग्लो करेगा LED, तो वापस से ये NC होगा। जब ऑन होगा तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये रेड होगा, और जब ऑफ कंडीशन पे आएगा तो ये वाला रेड होगा। तो एक बार ऑन करते हैं, इससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी देखिएगा, अभी विद द काउंट ऑफ 3 2 1 अभी ऑन किया, यहाँ पे ये चेंज हुआ है एंड इट विल कंटिन्यू टिल 9 सेकेंड्स। 9 सेकेंड के बाद यहाँ पे ऑफ इंडिकेशन ऑन होगा। ओके सी, वापस NC हुआ एंड इट विल कंटिन्यू फॉर 9 सेकेंड। तो 99 सेकेंड्स पे और अकॉर्डिंग टू द टाइम सेट यहाँ पे इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज होता रहेगा। सी अगेन 9 सेकेंड के बाद ऑन हुआ एंड 9 सेकेंड के बाद ये वापस से ऑफ के स्टेट पे जाएगा। ऑफ स्टेट मीन्स NC कॉन्टेक्ट आएगा वापस से। यहाँ देखिए NC का मतलब नॉर्मली सॉर्टेड। तो ऐसा साइक्लिक टाइमर काम करता है। इसका बहुत एप्लीकेशन है, लाइक अगर ग्रीस स्प्रे सिस्टम है तो वहाँ पर यूज़ होता है, बेसिकली हमारे प्लांट में वहाँ उसमें है, और अदरवाइज़ जहाँ पे जिस एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं एंड सो ऑन। सो होप साइक्लिक टाइमर का वर्किंग पता चला होगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।